नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से खबर है जहां कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग से जुड़ी जानकारी है। ये चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पहुंचे। पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुडा और उदयभान भी पहुंचे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा भी मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस बैठक में अंतिम मोहर लग सकती है। जिस तरीके से कई नाम जो है चर्चाओं में बने हुए थे, तो ऐसे में इस मीटिंग में, इस बैठक में अंतिम मोहर लग सकती है नाम को लेकर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग को लेकर ये जानकारी सामने आई है। चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में बैठक की, इस बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं। तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा भी और उदय भान भी बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुडा भी इस बैठक में मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जो है मुहर लगेगी इस बैठक में। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। सर, आज मीटिंग रखी गई है विधायक, विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग है। सीएलपी लीडर आज चुना जाना है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्जर्वर आएंगे, सेंटर ने जो ऑब्जर्वर भेजे हैं, हमारे गहलोत साहब हैं, माकन जी हैं, बाजवा जी हैं, वो एमएलए से उनकी राय लेंगे, उसके बाद जो निर्णय करेंगे वो तो वही करेंगे। सर, कई नाम भी हैं जो सीएलपी लीडर के लिए चर्चाओं में चल रहे हैं। कई ये भी चर्चाएं हैं कि बदलाव चाहते हैं। आपका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, इसको लेकर क्या कहें? ये आपकी शुभकामनाएं जिन्होंने आपने चलाया हुआ है। बाकी हम तो, मेरी व्यक्तिगत अगर राय मानेंगे तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है, उन्हीं को बनाना चाहिए। सर, नहीं लगता कि जिस तरह जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टी में जो है वो गुटबाजी को आगे बताते हैं कि एक नेता जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से है, एक नेता जो है वो शैलजा गुट से है जिनका नाम चल रहा है? कोई गुटबाजी नहीं है, कम से कम अशोक अरोड़ा तो कांग्रेस पार्टी का किसी ग्रुप का नहीं। जी सर, एक आखिरी सवाल एक यही है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जो भी रिजल्ट्स रहे हैं इलेक्शंस के, क्या उस पर मंथन होगा, किसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय की जाएगी? क्योंकि कई कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही कई लीडर्स ने जो है कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। हमारे हाईकमान ने पहले स्पष्ट किया है कि इनकी तथ्यों को लेकर कमेटी बनाई जाएगी, वो सारे तथ्यों को देखेगी कहाँ किस कहाँ पे कमी रही है, उसके बाद ये बात की जा सकती है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। तो ये थे हमारे साथ अशोक अरोड़ा जो आज की मीटिंग के लिए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से इस बीच हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। साक्षी, सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर बैठक को लेकर लेना चाहेंगे, क्या अपडेट आपको बैठक को लेकर मिल पा रही है? जिस तरीके से बैठक शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या इनपुट्स मिल पाए हैं आपको बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बैठक कुछ देरी से ज़रूर चल रही है क्योंकि 3 बजे का समय था। 3 बजे विधायकों के आने का सिलसिला ज़रूर शुरू हुआ था, अब लगभग 4 बज चुके हैं लेकिन अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है और अब पहले ऑब्जर्वर जो हैं, जो कि पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, पंजाब विधानसभा के माफ़ कीजिएगा नेता विपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और बाकी जो 2 ऑब्जर्वर्स हैं उनका फिलहाल अभी यहां पर इंतज़ार किया जा रहा है। अभी यहां पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस सांसदों में से वरुण मुलाना यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, बात करें हम मामन खान की, शैली चौधरी की, चीशपार कैरवाला, इंदुराज नरवाल, इसी के साथ साथ गोकुल सेतिया, विनेश फोगाट, तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पर आज इस मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है क्योंकि सीएलपी को चुना जाना है। आपको बता दें कि कई नाम जो हैं चर्चाओं में हैं, अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खासतौर से ये जो मीटिंग है ये सीएलपी के चयन के लिए की गई है। आज ऑब्जर्वर्स जो हैं वो तमाम विधायकों के मन की बात जानेंगे और उनकी मन की कई नाम इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं, ऐसे में वो कौन सा नाम है जो रेस में सबसे आगे इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कई नाम जो हैं वो लगातार चर्चाओं में हैं। हमने कई कांग्रेस के लीडर्स से बातचीत करने की कोशिश भी की है, हालांकि अभी साफ तौर से खुलकर मीडिया के सामने कोई भी कुछ भी बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर खाते कुछ नेताओं ने खुलकर मीडिया के सामने ज़रूर यही कहा है कि वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएलपी बने रहे। हमारा नेता, उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और वो यही चाहते हैं बतौर विधायक होने की उनकी यही इच्छा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बना जाए। लेकिन जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि हाईकमान चाहता है कि कहीं ना कहीं बदलाव किया जाए
और इसीलिए ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है, तीन बड़े नेता, तीन बड़े ऑब्जर्वर्स को भेजा गया है तमाम विधायकों से बातचीत करने के लिए। तो ज़रूर हाईकमान जो है कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट चाहती है, एक रिपोर्ट आज के माध्यम से तलब की जाएगी। अगर विधायकों में कोई सहमति बनती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो यहाँ पर आज एक CLP के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है। लेकिन सहमति अगर नहीं बनती है तो तमाम विधायकों की बात जानकर, उनसे रायशुमारी करने के बाद जो उनके मन की बात है वो हाईकमान तक पहुँचा दी जाएगी और एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया जा सकता है। जो पावर है वो हाईकमान को दे दी जा सकती है नेता विपक्ष को चुनने की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधायकों के आने का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मीडिया से इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं। जब हमने प्रताप सिंह बाजवा से बातचीत की थी तो इंडिया न्यूज हरियाणा से भी उन्होंने यही कहा था कि वो यहाँ पर आज पहुंचे हैं सभी विधायकों को बधाई देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और उनसे कहीं ना कहीं एक मंथन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो किसे चाहते हैं, कि आखिर उनका लीडर कौन हो, उनका नेता विपक्ष कौन हो। उनसे बातचीत करने के बाद उनका जो मैसेज है वो हाईकमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी साक्षी, लेकिन इस बीच जो खींचतान की खबर सामने आई थी हुडा सैलजा ग्रुप में, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी आप सवाल फिर से दोहराएंगे? साक्षी, सवाल मैंने ये किया कि जिस तरीके से खींचतान की खबर भी निकलकर सामने आई थी सैलजा और हुडा ग्रुप में, उस खींचतान को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी आमतौर पर देखी गई है और जिन नेताओं के नाम आप देख सकते हैं, प्रताप सिंह बाजवा जो है इस वक्त मीटिंग के लिए अंदर जा रहे हैं, तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर कि ऑब्जर्वर जो है प्रताप सिंह बाजवा वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मीटिंग में अंदर जा रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है, आपके सवाल को बताऊँ आप कि गुटबाजी जो है वो कांग्रेस के सार्वजनिक मंचों पर देखी गई और जिन दो नेताओं के लगातार नाम चल रहे हैं वो नाम भी दोनों नेताओं के अलग अलग गुटों से जो है वो आते हैं, तो इससे खींचतान जो है वो साफ तौर पर जाहिर होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी उदयवान, वो प्रताप सिंह बाजवा का स्वागत करने के लिए पहुंचे, बुके देकर उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है और उन्हें अंदर मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा लेकर जाया जाएगा। चौधरी उदयवान जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं प्रताप सिंह बाजवा का स्वागत करने के लिए, बुके देकर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। और ऑब्जर्वर को फिलहाल उदयभान के द्वारा जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं उन्हें लेकर जाया जा रहा है और तस्वीरें लगातार लाइव तस्वीरें आपको कांग्रेस ऑफिस के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो भी यहां पर उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सेक्टर 9 से चंडीगढ़ में लगातार पहुँचे हुए हैं। जो विधायक है, विधायकों के साथ उनके समर्थक भी जो हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुँचे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर में मीटिंग की शुरुआत होगी और ऑब्जर्वर्स जो है वो विधायकों से बातचीत करना शुरू करेंगे। वहीं जानकारी ये भी मिली है कि ऑब्जर्वर्स विधायकों से 1-to-1 बातचीत करेंगे, यानी सभी विधायकों से एक साथ ग्रुप में बातचीत नहीं की जाएगी बल्कि हर एक विधायक से अलग अलग 1-to-1 बातचीत कर वो क्या चाहते हैं बतौर विधायक, उनका क्या मत है, उनकी क्या राय है, इस बारे में उनसे जानने का प्रयास, जानने की कोशिश जो है वो ज़रूर की जाएगी। गाड़ियां लगातार आ रही हैं, विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, तमाम जो कांग्रेस की मीटिंग में शामिल होने के लिए बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो हुजूम है वो लगा हुआ है। बड़ी बैठक है, विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की ये पहली बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए सभी विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं और बड़ी बात ये भी है कि दोनों ही गुटों के नेता, चाहे वो हुड्डा समर्थित विधायक हो, चाहे वो कुमारी शैलजा के समर्थित विधायक हो, दोनों ही विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों ही गुटों के जो विधायक है, दोनों ही बड़े नेताओं के, बड़े फेसेस के जो समर्थित विधायक है वो ऑब्जर्वर्स के समक्ष अपनी बात आज रखेंगे इस मीटिंग के माध्यम से। साक्षी, जिस तरीके से अगर 2019 चुनाव को लेकर बात करें, जब परिणाम सामने आए थे तो उस वक्त विधायक दल के नेता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना गया था, इस बार क्या उम्मीद है? जिस तरीके से अगर दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसको लेकर हम बात करें, 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे थे और शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया था।
जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों हमने देखा था कि दिल्ली आवास पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन किया गया था। हालांकि मीडिया के समक्ष यही कहा गया था कि सभी जो तमाम विधायक हैं वो एक दूसरे से मिलना चाहते थे, सभी विधायक एक साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलना चाहते थे, इसीलिए वो जो डिनर था ऑर्गेनाइज था वो किया गया था उनके आवास पर। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक मैसेज हाईकमान को ये जरूर दिया है कि अब भी 31 विधायक जो है वो उनके समर्थित हैं, उन्हीं को अपना नेता मानते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो सीआरपी लीडर उन्हें ही बनाया जाए या फिर उन्हीं के समर्थित किसी नेता को, उन्हीं के किसी समर्थित विधायक को नेता विपक्ष की जो उपाधि है वो दी जाए। तो कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर मैसेज, एक शक्ति प्रदर्शन हुड्डा ने अपना किया कि अब भी वो हरियाणा में जितने भी जीते हुए विधायक हैं उनमें से एक बड़ी संख्या जो है, एक बड़ा नंबर 31 विधायक जो है वो उनके समर्थन में है। तो एक सीधा तौर पर अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना मैसेज इस पूरे डिनर को ऑर्गेनाइज करने के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं हाईकमान को देने का जरूर प्रयास किया है। जी जी, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उस परिणाम के लिए, यानी कि कांग्रेस की जो हार हुई है प्रदेश में, उस हार के लिए लगातार शैलजा ग्रुप जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में क्या आलाकमान इस बात को भी तवज्जो देगा, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। जी बिल्कुल, देखिए जब हमने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की कि किसकी अकाउंटेबिलिटी जो है हरियाणा में इन रिजल्ट्स के लिए तय की जानी चाहिए, क्या फैक्टर्स रहे, क्या इसके पीछे के कारण रहे, तो विधायकों का, बड़े लीडर्स का लगातार यही कहना है कि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार मंथन कर रही है। हालांकि विधायकों ने, जब हमने विधायक गोकुल सेतिया से बात की तो उन्होंने भी हमें ये बताया कि रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उन्होंने कहा कि पूरा माहौल था और एक अच्छा रिजल्ट जो है, अच्छे रिजल्ट की वो उम्मीद कहीं ना कहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जनता ने जो है वो बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स है, आपसी खींचतान है, गुटबाजी है, या फिर कांग्रेस नेताओं का ही कांग्रेस नेताओं को समर्थन ना देना, ये सबसे बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं रहा। हालांकि नेताओं ने खुलकर तो कैमरे के सामने इस बात को नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि संगठन न होना, आपसी गुटबाजी होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़े फैक्टर्स जो है वो रहे कि कांग्रेस पार्टी का इलेक्शंस में जो रिजल्ट आया है। इसी के बाद लीडर्स ने ये भी कहा कि मंथन किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे जो रिजल्ट्स आया है इसको लेकर एक मंथन कर रही है, एक कमेटी बनाई हुई है जो पूरे मामले को लेकर एक डिस्कशन कर रही है कि आखिर क्या वो वजह रही है जिसकी वजह से इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो हरियाणा में देखने को मिले हैं। जी जी बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से अगर थोड़ा सा चुनाव को लेकर हमने जिस तरीके से जिक्र किया, नतीजे को लेकर जिस तरीके से हमने जिक्र किया, अगर बात नतीजे को लेकर की जाए, जो खटपट देखने को मिली थी चुनाव के दौरान, जब वोटिंग होनी थी, मतदान होना था शैलजा ग्रुप में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में, क्या उस वजह से कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई, क्या उसका असर नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आया और उस वजह से बीजेपी को मजबूती मिली? जी बिल्कुल, देखिए अंदर खाते तो ये चीज़ें ज़रूर हैं ही हैं और कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं। हालांकि अभी हम कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा से बात कर रहे थे, जब उनसे गुटबाजी के बारे में पूछा गया कि कहीं ना कहीं ये वो वजह रही, मेन कारण रहे, और क्या आपको लगता है कि सीएलपी लीडर के सिलेक्शन में भी ये चीज़ें हावी होने वाली हैं, तो उन्होंने साफ तौर से इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हालांकि नेताओं ने ये कहते हुए एट द सेम टाइम अपनी ये बात भी रखी कि वो अपना नेता जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं और इसीलिए ऑब्जर्वर्स के समक्ष वो अपनी ये बात रखेंगे कि उन्हें ही लीडर, उनका सीएलपी लीडर जो है वो बनाया जाए। जहां तक आपने वोटिंग की बात की, कांग्रेस जरूर अपनी हार का जो ठीक रहा है वो ईवीएम पर फोड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ही अंदर खाते जो कांग्रेस की अपनी एक बॉन्डिंग है, चाहे वो गुटबाजी की बात कर ले या फिर वो संगठन से जुड़ी हुई बात करें, तो ये चीजें भी जो रिजल्ट आए हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, और साक्षी जिस तरीके से बैठक हो रही है, कुछ देर में क्लियर भी हो जाएगा कि आखिर नेता विपक्ष कौन चुना जाएगा, किसके सर पर वो ताज जाएगा। आप लगातार मीटिंग पर नजर बनाए रखें, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए साक्षी। तो वहीं ऑब्जर्वर प्रताप सिंह बाजवा से बातचीत की हमारी सहयोगी साक्षी मलिक ने, आप सुनिए इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और जो मीटिंग है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ